बौद्ध वनखंड अंतर्गत बौद्ध वनांचल ओडिशा वनांचल उन्नयन प्रकल्प 20 गोटी वन सुरक्षा समिति रे उन्नयनमूलक कार्य करूछि। एहि प्रकल्प माध्यम रे वन सुरक्षा समिति रे वृक्षरोपण मूर्तिका संरक्षण जंगल को निया दाउरु रक्षा करबा सहित महिला स्वयं सहायक दल को रोजगार सृष्टिकारी कार्यक्रम कराउछि। एथि सहित विभिन्न सरकारी विभाग सहित समन्वय रक्षा करी वन सुरक्षा समिति रे गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम कराउछि। प्रोजेक्ट तरफ रु हाथ में आग या धूपकाठी प्रोजेक्ट सब सार माने सब कहले मिशन आणमा जाकि कटक रु मिशन आणलु मिशन तैयारी करके धूपकाठी बिक्री करलु आदिवासी मेला को जाइलु 10,000 टाँह बिकलु आउ बौद भी जाइलु बौद्ध में 17,000-18,000 टाँह बिकलु से 7,000-8,000 टाँह आम लाभ बाहर आउ अधिका भी धूपकाठी बनई बोली चेष्टा करूँ आगे के धूपकाठी भी ओडिशा बाहर सबुआड़े भी बेपार मणिज करू बोल आम चेस्टा करूर को आम जा चेस्टा करा बन सब आम उन्नति करू बोली भाई ये वन सुरक्षा समिति कौन कौन सब दूसरी वन सुरक्षा समिति रु सब सार मैंने बहुत साय कर ट्रेनिक जीवाई भी साय कले धूपकाठी आरसेट रु आरसेट जावाक ट्रेनिक गलु से भी सब सालु आूपकाठी जी बनैलु से साय कले समस्ते सार मैंने सब साय आमको कर सुरक्षा समिति ना हो नरघंटा वन सुरक्षा समिति आम आम जैका प्रोजेक्ट आसवा फल आम फास्ट कि आम कलु पिलर पोस्टिंग कर तापर फेयर लाइन गोटे कलु पिलर पोस्टिंग कर प्रति लोक दुज डेली ठेगा पाड़ कर जंगल जगुचर आम जो लोक जंगल जंगल काठ चोर नौ धरे ताको धरा जाए जो लोक धरव ताको आम प्राइज भी रखीचु गाँ तरफ जहाँ से लोक जहाँ फाइन हम ताको 50% दौ आम जंगल प्रति लोक दीज धर जगुचु तापर एवं आम ये कौन कि जैका आसला फल जैकार तरफ आम दीटा वाचर भी रखीचु तापर आम जंगल भी लगे गच बनीकरण कर 11,000 बनीकरण कर जंगल 11,000 बनीकरण कर गोटे आम जंगल निआ लगे जुवक संघ भी प्रोटेक्शन देचु आम जोठी जंगल निआ लगे भी आम सहयोग कर प्रोटेक्शन देचु तापर आम जंगल प्राय 10 वर्ष खंडे निआ लगे जंगल गोटे आंगल जंगल से आम प्रोटेक्शन दौचु मुझे आमर वन सुरक्षा समिति प्रेसीडेंट मानवघंटा वन सुरक्षा समिति प्रेसीडेंट मोर नाम सुशांत साहू आम ग्रुप राम माँ पितावली स्वयंसेवा गोष्ठी आम माँ पितावली स्वयंसेवा गोष्ठी में मुझे संपादिका अच्छी मो नाम सस्मिता कहर आगर आम मासिक चंदा आदाय करी बैंक जमा करूँ ओडिशा वनांचल उन्नयन प्रकल्प 2 कर्मचारी साहयर आम नरेगा योजना तरफ आम कुकुड़ा घर आम ग्राम को आसी ब्लॉक तरफ आसी घर मूल्य घर मूल्य 3,90,000 टंका घर सरी सारा कौन कर घर सरी सारापर आम कुकुड़ा पालन करी आग को परिवर्तन को मोर ना श्रीजुक्त रविनारायण भक्ता बालीपटा माँ वन सुरक्षा समितिर सभापति बर्तमान 1994 साल रे आमर जंगल उजड़ा हो पड़ा बर्तमान ताकू आम ग्रामवासी मध्यम समस्ते रखापी मनस्थ कलु एवं समस्ते मीटिंग मध्यम समस्ते जोगाड़ करने प्रति घर दुई जन हिसाब से आम जंगल को जोगाड़ कर आसुचु बर्तमान 2017 मसीहा पर्यंत आम जोगाड़ कर आमको प्रोजेक्ट जापान सरकार गोटे जैका प्रोजेक्ट मध्यम आमको तो से अंतर्भुक्त कले अंतर्भुक्त करने द्वारा आम जानलु ठीक मैंने आम जंगल परिसीमा माप करागला पिलर पोस्टिंग करागला जे आम जान पारे जंगल परिसीमा आम 55 हेक्टर अच्छी तो सब जान सारापर आम कि गेप प्लांटेसन चारा आम पकड़ गोटे चारा उद्यन करागला
ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର କିଛି ଗେପ୍ ଲଗା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା, ସେଥିରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ହଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା କେମିତି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆଣିକିନା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଜାଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଟାଙ୍କି ବି ମାନେ ସୁବିଧା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲର ବି ଚାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ବି ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତ ଆଜକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ମାନେ ମନସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଭାପତି ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ହିସାବରେ ଫାଇଲ୍ ସଫା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲର ବି 4-5 ବର୍ଷ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦରେ ଅଛି। ତ ସେଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ 8,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆମର ବାଲିପଟେ VSSକୁ ସେମାନେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମାନେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ହଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା ଶିଶୁ ଶାଗୁଆନ ସମସ୍ତ ଗଛ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସରକାର ଯେମିତି ସବୁ ଇଏ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବୈଠକ ଶେଷ କରୁଛି।